भूल गए। चित्रसेन तो सब कहीं भूल गया, सब भूल गए दुनिया वाले, सब भूल गए दुनिया वाले, रहने की मुझे परवाह नहीं। सब भूल गए दुनिया वाले, रहने की मुझे हुकूमत चली गई है। मुझे पहाड़ गढ़कर सम्राट बनना था, लेकिन मेरे हाथ से हुकूमत निकल गई। और मिले दोनों जहां का मालो जल यज्ञ होगा तभी याद। मिले दोनों जहां का मुझे अब हुकूमत चाहिए, और मिले दोनों चाहता पालो चल ये दिन होता तभिया। हेलो 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 आ गए हमारे भैया राम प्रसाद इंदौर निवासी। उन भाई साहब की तरफ से सीन सीनरी के देखते हुए पत्र मांगना पाड़ीगढ़ से धन्यवाद। साथियों हाथों से हुकूमत निकल गई, पी पी भी कल्याण गई, और मिले दोनों जहां का मालो चल ये दिल होगा साथियों। ये शाजा शिक्षा वैज्ञानिक फरमान किया है, आज का वैज्ञानिक फरमान है पहाड़ गढ़ पर आक्रमण करो। सुना क्यों नहीं सरदार जी, सुना मेरा क्या फरमान है? कैसा फरमान है सरदार जी? हेलो यादव साथ साथ में हमारे भैया राम प्रसाद इंदौर वाले। उन भाई साहब की तरफ से सीन सीनरी को देखते हुए पार्टी को से ये सारा शिक्षा पैगाने फरमान है कि आज सभी लोग पहाड़ गढ़ होते हुए
रामगढ़ पर आक्रमण बोलो। सरदार जी सीधी तरीके से मेरी नजरों में पटल सिंह का चेहरा नाच रहा है। आओ चलते हैं पहाड़गढ़ की तरफ। बोलो जय मां भवानी की। हेलो हेलो याद है हमारे बड़े भैया राजा राम मिस्त्री। राजा राम मिस्त्री गिट्टी के ठेकेदार। कहिए महाराज आदेश पाए क्या हुक्म है। अन्नदाता मैं पहाड़गढ़ की तरफ गया था। बात आज क्या उन हराम ज्यादा गई लेकिन कोई पता नहीं चला। लेकिन जब हम अपनी रियासत की तरफ लौट रहे थे तो क्या देखता हूं अपनी रियासत में एक सपेरा बीन बीन बहुत अच्छी बजा रहा है। हाँ महाराज बीन बजा रहा था। बीन बजा रहा था। क्या हुक्म है महाराज। कहा उनकी तलाश करने गए थे लेकिन वो तीनों प्राणी नहीं मिले क्यों। और जब तुम अपनी इस रामगढ़ रियासत में आए यहां क्या देखा कि एक सपेरा बीन बजा रहा है। हाँ अन्नदाता सपेरा बहुत अच्छी बीन बजाता है। शेर सिंह उस सपेरे को दरबार में पेश करो जरा उसकी कला कौशल हम देखेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। और एक काम और करना। क्या महाराज। इस बीन का बात सुनने के लिए मेरी बेटी शशि को भी पेश किया जाए। कैसी आज्ञा महाराज की। आदेश करें हमें करना क्या है। जाओ जी सपेरे को बुलाकर लाओ। पहले सपेरे को बुलाकर लाए कि पहले राजकुमारी शशि को बुलाकर लाए। पहले राजकुमारी शशि को लेकर आओ जी। उसके बाद सपेरे को भी बुलाकर लाओ। बताने का मकसद बुलाने और बताने के दोनों मकसद मैं बता रहा हूँ। बेटी अब अपनी इस रियासत में एक बीन बजाने वाला बंगाली आया है। तो मैंने सोचा कि जब मैं उसे रात दरबार में बुला ही रहा हूँ तो अपनी बेटी शशि को क्यों ना बुला लूँ। आ बेटी बैठो और बीन का बात सुनो। राजकुमारी जी हम इसी वक्त जाएंगे उस सपेरे को बुलाकर सभी लोगों के समक्ष। अरे सपेरा इस तरफ को आ रहा है। हाँ यार भैया आ तो रहा है। घोराई का भाई को रख पर करी। हे बाबा हे बाबा। अरे हे बंगाली बाबा आओ तैयार कहती। आओ बाबा। अरे रियासत में जरा अपना साफ दिखा दो। आ जाओ बाबा जी आओ। पूछ लियो सपेरे से दुई मुही लेके आए कि नहीं। आओ बाबा आओ।
बाबा जी कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं बेटा? हमारा काम बीन बजाना और साथ रखना, आज इस गांव में कल उस गांव में, यही हमारा काम है। आपका काम है सांप लेकर के चारों तरफ सांप दिखाना। हाँ बेटा। तो बाबा ये बताओ द्विमुही लाए हो? अरे बेटा द्विमुही तो नहीं लाए हो? नहीं लाए, लेकिन लेकिन हम द्विमुही के ज्यादा देखे। काला नाग ला कर आए भाई। काला नाग तो खतरे ही ज्यादा होता है, लेकिन हम द्विमुही के शौकी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, आइए। और महाराज जी को कहना है कि सपेरे को बुलाया जाए। अरे हम कहीं थे, आओ। अरे भैया तुमने तो कहा आओ ना, आओ ना। महाराज हम उस सपेरे को बुलाते, हम कहते आओ ना, पाँव बढ़ावत लौटा ले। अच्छा नाका ना लगाई, ना लगाओ। आओ 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 यार, वाई कहीं महाराज की जय। ये बताओ मेरी रियासत में कब से आए हो तुम? महाराज बस दो चार दिन हुए हैं आपकी रियासत में आए हैं। मैंने सुना है कि तुम बीन का बाग बहुत अच्छा बजाते हो। महाराज ये नाची अपने मुंह से बढ़ाई क्या करे, जिस समय बजाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि हम अच्छा बजाते हैं कि खराब। और रहने वाले तुम कहां के हो? महाराज हम रहने वाले पोरबंदर के हैं। अच्छा, यानी पोरबंदर के रहने वाले हो। ठीक है, तुम अपनी कला कौशल हमारे दरबार में पेश करो। देखिए सवेरे, अगर आपकी बीन की आवाज अगर महाराज जी को सभी लोगों को पसंद आ गई तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और जितनी आपकी कला हो आप अपनी कला जरूर पेश करना। ठीक है भैया, हाथ नहीं जोड़ना, कोई भगवान हम नहीं है। महाराज अगर आप का इजाजत हो तो हम सांप लेकर आए हैं
उसको भी आप लोगों को दर्शन कराते रहते यार इतना देर रात रहे तो कहे तब हुआ पहले तुम्हारे पास बहुत कला कौशल है एक बार पुनः वीन का बात सुनाओ हम तुम्हें इनाम देकर विदा कर देंगे ठीक है ना
पकड़ कर ला हराम जा देखो। में चमड़ी नहीं रहेगी। तुम साले गंदी नाली के कीड़े हो और खाओ तुम्हारा महलों का है। तुमने हमारी बेटी पे जादू कर दिया, तुझे शर्म नहीं लगती? जादू करके ससुरों हिया से पहली भागे हो? क्या बात है महाराज? और तुझे सवेरा तो बता अपना स्थान।
जादू से भी होश कर दिया। महाराज दम नहीं ले, हराम जादे सपेरे, तूने अपना हाथ आज काले सर की भामी में फंसा दिया है। हराम खोर, और यतन कर ले, नहीं तो यहां से शिव बाबा शक्ति आज तुम्हारा बालक संकट में है, हमारी मदद करो बाबा, हमारी मदद करो। महाराज राजकुमारी को सामने लाया जाए। एक बात और कान खोल सुन लो बंगाली कि घर से बेटी हमारी और नबीदा हुई तो अभी राजकुमारी को सामने लाओ। महाराज जी अभी अभी आपकी बेटी को यहाँ से भी होश करके गया और ये सपेरा कहता है राजकुमारी जी को सामने लाया जाए। सामने इसलिए कहता होगा शायद कोई दवा हुआ पिलाना हो तो सामने कर दो। है कोई जड़ी और सपेरे के झोले में है पड़ी। जल्दी दवा निकाल रहा हूं। राजकुमारी जी को होश मिला नहीं तो आज मौतें हैं। शकुन जी अपना करिश्मा दिखाओ, आज ये तुम्हारा बालक बहुत संकट में है। महाराज जय बाबा शक्ति की।